करनाल में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा। गांव घोगड़ीपुर में देवी माता के मंदिर से लाखों रुपए के सोने व चांदी के जेवरातों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। देवी माता के मंदिर से माता के सोने के मुकुट व पायल चांदी के बर्तन चोरी करके चोर फरार हो गए। सुबह जब मंदिर के पुजारी ने ताले टूटे देखे तो पुजारी के होश उड़ गए। पुजारी ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर का जायजा लिया। मंदिर में हुई चोरी की घटना के बाद पूरे गांव में रोष है। बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, कैसे चोरी हुई है? सर, ये गांव घोगड़ीपुर के का मंदिर है जी। सारा गांव सामलत मंदिर है जी ये, और यहाँ रात को तकरीबन बता रहे हैं, बताने वाले 11-12 बजे के बाद चोरी हुई है। 11-12 बजे के बाद चोरी हुई है जी, और इसमें काफी सामान था, माता का श्रृंगार था सारा, वो सारा ले गए हैं। और एक शिव मंदिर में दान पत्र भी रखा था, उसको भी चोर ले गए, दान पत्र को ही ले गए। उसमें क्या था क्या नहीं अंदर, वो किसी को मालूम नहीं जी। तो सोने चांदी के जेवरात भी थे? हाँ, सोने चांदी के जेवरात थे, बर्तन थे, माता का मुकुट था, चांदी के नाथ थी, बाड़ी थी, त्रिशूल था एक माता का पित्तल का, काफी सामान था जी। तो पुलिस को शिकायत दे दी है? हाँ जी सर, पुलिस को 100 नंबर पर कॉल कर दिया था। 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बोला भाई हम ऑनलाइन दरखास्त डाल देंगे, मधुबन थाने में आ जाइए और वहाँ पे दरखास्त लिख लेंगे। मैं तो सवेरे उठा 3 बजे, नहा धो कर मंदिर खोलने के लिए आया, और यहाँ मैंने मंदिर खुलने पाया। खुला पाया? क्या हुआ? मंदिर में मैं जल चढ़ाने खातर गया तो गेट खुला था, लाइट बाली के बाद देखा मैंने गिल्ला भी नहीं। अच्छा, यहाँ तो मैं और डोलू जल का भी नहीं चढ़ाया, मैं दौड़ा दौड़ा माता में गया। अच्छा, मैं गल्ला ठह लिया, तो भी कुछ नहीं, वहाँ देखो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। क्या क्या पड़ा था रात को आपने? सारा कुछ, 2 ताले तोड़ रखे नहीं, और जो जेवर थे माता के सब सारे उतार कर ले। और क्या क्या ले गए सर? वो ले गए जी छतर ले गए, और एक माला ले गए छतरा की, एक नोटा की माला ले गए, एक मुकुट ले गए, और हार ले गए। तो दान पत्र भी ले गए? दान पत्र यहाँ तक आया जी, शिव मंदिर से। शिव मंदिर से। सर, रात को आप कितने बजे ताला लगा के गए थे, और सब कुछ था मंदिर में? आज सब कुछ था जी, यहाँ बंदे मौजूद है सिस्टम में गया, यहाँ ताला लगाया। कितने बजे ताला लगाया था? मैंने 10 बजे लगाया था। और सुबह? सुबह मैंने खोला जी 4 बजे। तो क्या लगता है कौन हो सकता है? बेरा जी कौन हो सका? तो गलत हुआ है सर, भगवान के घर में चोरी है? हाँ, मैंने ये नहीं पता जी कौन बंदा कौन करा मारा जी भगवान के घर में, और इसमें कोई और। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविदत्त शर्मा। पुलिस को शिकायत दे दी गई है? हाँ, दे दी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस करेगी कोई कार्रवाई। लाखों का नुकसान है? कई लाखों का जी, लाखों का क्यों, कई लाख का, 10-12 लाख का नुकसान है। क्या नाम है आपका? रविदत्त। क्या बात हुई यहाँ? सर, मामला ये है कि पता लगा है कि गांव के मंदिर में चोरी हो गई है, माता का मंदिर है, और साथ में लगता हुआ शिव मंदिर है, शिव मंदिर में से भी गल्ला उठा के ले गया है, माता के लाखों रुपए के गहने थे वो ले गए उठा के। तो पुलिस आई थी, मौका मुआयना करके चली गई है। अच्छा, हाँ जी। तो कार्रवाई की जा रही है? हाँ जी, कार्रवाई, अभी FIR ऑनलाइन दर्ज कराने जाएंगे, उसके बाद जो दोषी होगा उसको कार्रवाई की। सर, क्या आपने, किसने देखा सबसे पहले, और रात को क्या था, और सुबह क्या हुआ? सर, पुजारी जी ने देखा है सुबह 4 बजे, और रात को ताला मार के गए थे, सुबह ताला टूटे हुए मिला, और सारा सामान चोरी। क्या क्या चोरी हुआ सर? माता का मुकुट था, बाड़ी थी, टिक्का था, और काफी सामान था, बर्तन थे, चांदी के सोने के बर्तन थे, गल्ले भी थे। हाँ, शिव मंदिर के अंदर गल्ला रखा था, वो गल्ला भी उठाया गया है। अच्छा, तो सर क्या कहते हैं, ये कैमरे भी नहीं लगे पड़े मंदिर में? नहीं सर, मंदिर में कैमरे नहीं। सर, भगवान के घर में चोरी होगी तो क्या हालात होंगे? सर देखो, ये तो जो है गलत तो है, पर जो दोषी है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए, और उसको सख्त से सजा दी जानी चाहिए। क्या नाम आपका? अशोक मान। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।